स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जू सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे बहन का प्यार न रूठे। कोई जनपद बहराइच के जरवल रोड में स्थापित गायत्री मंदिर पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर गायत्री परिवार की तरफ से काफी संख्या में यहाँ पर माताएं और बहनें मौजूद रही हैं और यहाँ पर बहनों ने पुरुषों को राखी बांधी जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में जो है इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए आदरणीय मान सिंह वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व त्योहारों पर प्रेरणादायक आयोजन बाद में या पहले हम लोग करते हैं। रक्षाबंधन तो हम लोग परसों मना चुके हैं लेकिन उससे प्रेरणा लेने के लिए आज ये उद्देश्य रखा गया कि हम सब लोग भाई बहन एकत्रित होकर के और रक्षाबंधन वास्तव में है क्या, रक्षाबंधन से हमें क्या सीखना चाहिए। सामाजिक पर्व है, ये कोई संकीर्णता में बंधने वाला पर्व नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सभी जैन किसी भी जात धर्म के लोग हों, भाई बहन का इतना पावन रिश्ता आज के दिन ही परमात्मा ने पूरे विश्व की रचना का संकल्प लिया तो हम भी संकल्पित हूँ कि हम मर्यादित होकर के जीवन जिएंगे और भाई बहन का ऐसा मर्यादित जीवन है कि वास्तव में मनुष्य को आ जाए तो वास्तव में पूरी धरती देवत्वपूर्ण हो जाए और संसार फिर विश्व जो है विश्व सुंदर। रक्षाबंधन का जो पर्व बहुत ही पवित्र और पावन है, गायत्री परिवार जगह की ओर से आयोजित आज के इस पर्व पर उपस्थित हमारी सभी भाई बहनों सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मैं आज जोर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके अंदर भाई बहन का रिश्ते का ये जो एक बहुत पुरानी परंपरा है ये जीवित रहे प्रजीवित हो और हम सब इस भाव से अपनी सभी बहनों को सभी मातृशक्तियों को अपनी बहन मान सकें ऐसी भावना का विकास हो। रक्षाबंधन बहुत ही हमारा अच्छा त्यौहार है, ये सोचते हैं हम बार बार आए और माँ बहने इसे हमेशा अपने भाइयों की कलाई बांधे और हमारे लिए ये है कि हमारे भाई देश की बहनों की रक्षा करें यही संकल्प ले, यही हमारा सबसे बड़ा उपहार होगा इस रक्षाबंधन के अवसर पे। अच्छा आज आपने काफी लोगों को राखी बांधी तो अच्छा भी लगा होगा। हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा। देखिए ये आकांक्षा सिंह है, हमारी रक्षा करे जी, हमारे पिता है हमारे भाई है सब लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं तो बस यही कामना रहती है कि वो हमारी हमारी रक्षा कर सके हमको सपोर्ट कर सके आगे के लिए कि हम कैसे आगे बढ़े, वो हमें किसी चीज़ के लिए रोके नहीं कि वो हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करे कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना है तो वो हमें सपोर्ट करे ये हमारी सम्मान होता है जी। देखिए आम जनमानस में अगर जो जानवर भी लड़ रहे होते हैं मैं ऐसी गाली दे देता हूँ या ऐसे ही गाली लोग दे देते हैं ये वाचिक हिंसा होती है, ये सब बंद होना चाहिए। एक मुहिम चलानी पड़ेगी इसके लिए नारी सम्मान के लिए, नारियाँ बेटियाँ आगे बढ़ाए इसके लिए एक बढ़िया अच्छी मुहिम चलाना पड़ेगा और उनमें वो प्रतिभाएं छिपी हैं महिलाओं में बच्चियों में कि ये कितना आसमान पर बताओ अब जहाज उड़ा रहे हैं मालगाड़ी चला रहे हैं। जो हमारी रक्षा सूत्र बांधा है हमारा संकल्प लें कि उनके जितने भी सुख दुख या जितने भी संकट की घड़ी है हम उनसे उनका सहयोग करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और हर समय हम उपलब्ध रहेंगे कि उनकी जो है सुख दुख में शामिल रहें। देखिए आज के अवसर पर मैं सभी जितनी भी माताएं बहनें आई हैं भाइयों आई हैं मैं आज उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह प्रतिवर्ष भी हम सब लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाएं और आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे पवित्र स्थान गायत्री परिवार किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत पुराना ताल्लुक है आपके परिवार का, आपके परिवार के पिताजी जो मंत्री रह चुके हैं और आप हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। मैं इस चैनल को देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए मैं दर्शकों को रक्षाबंधन की जो है मैं कोटि कोटि उनको बधाई देता हूं। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को आप फॉलो करते भी रहिए और इस चैनल को आप बढ़ाइए। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्र अन्ना। तो तस्वीरों में देख रहे हैं आप वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना को अजय वर्मा पूर्व प्रधान ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया और अब हम आगे तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं दोस्तों आकांक्षा सिंह समाज सेविका भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता भी हैं ये और आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त जो बेटियां हैं वो यहाँ सभी पुरुषों को भाइयों को यहाँ पर राखी बांध रही दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जरवल रोड में स्थापित गायत्री माता के मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम रक्षा सूत्र की ये सभी रिपोर्टें आप देख रहे हैं। जितेंद्र सिंह जो
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं प्रशांत अग्नोत्री, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बेटियों ने राखी बांधा और पुरुषों ने बेटियों को रक्षा करने का वचन दिया। दोस्तों, ये सभी तस्वीरें इस वक्त मान सिंह वर्मा, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, यहाँ पर प्रतिभा विश्वकर्मा के द्वारा और अन्य बेटियों के द्वारा यहाँ पर राखी बांधी जा रही। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त ओम प्रकाश अवस्थी को भी राखी बांधी जा रही दोस्तों, और ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल न्यूज न्यू इंडिया के साथ देख रहे आकांक्षा सिंह। समाज सेविका ने यहाँ पर आए हुए सभी पुरुषों को व बेटियों को संबोधित किया। ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं और लाइक करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। सुने कुछ माताओं ने गाया अद्भुत गीत, मैं वो आगे आपको सुना रहा हूँ दोस्तों। जो मिल जाए